हेलो गाइस, इट्स योर बॉय हमाद। और आज साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल एन हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक न्यूजीलैंड को धोया है। सो बात करते हैं आज की क्रिकेट मैच के बारे में। इस एपिसोड में स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो भाईजान, आज साउथ अफ्रीका ने तो कमाल कर दिया। आज तो साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा सिक्सेस करने का एक टूर्नामेंट में, 86 इन द टूर्नामेंट। और अभी 3 गेम्स साउथ अफ्रीका की बाकी हैं। क्विंटन डिकॉक ने 114 स्कोर किया, सेंचुरी की। वेंडर डुजन ने 133 सेंचुरी की, बहुत अच्छा खेला। और न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी फॉर्म में था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो भी टारगेट जो है वो चेस कर लेगा इजिली, क्योंकि 357 तक टारगेट दे रहा है न्यूजीलैंड, लेकिन चेस करने के मामले में थोड़ा सा न्यूजीलैंड का हाथ खोला है। तो अपसेट्स हो रही हैं। शुरू में न्यूजीलैंड जो है बहुत अच्छी फॉर्म में था, साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। जैसा कि सबको याद है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो एंड बॉल तक गया था, पर साउथ अफ्रीका इतनी आसानी से नहीं जीता था जितनी आसानी से ये मैच जीता। और लेकिन आज जो न्यूजीलैंड इतने मार्जिन से जो हारा है साउथ अफ्रीका से, उससे पाकिस्तान के चांसेस थोड़े बेहतर हो गए अगर पाकिस्तान परफॉर्म करता है अच्छे रन रेट के साथ अपने रिमेनिंग मैचेस के अंदर। इंग्लैंड से तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा मुश्किल सीन, ऑस्ट्रेलिया से हमें थोड़ा एक अच्छे रन रेट के साथ जीतना होगा। तो बहुत अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया आज साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स ने, स्पेशली डिकॉक ने और वैन डुजन ने 112 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। और आई थिंक कॉक जो है वो डिकॉक हाई टॉप स्कोरर हैं, और न्यूजीलैंड इसके मुकाबले में पूरा 167-35 ओवर्स के अंदर पूरी ऑल टीम आउट होगी, 35 के अंदर उन्होंने 167 स्कोर किया। और लेट्स सी अब क्या होता है न्यूजीलैंड आगे, न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैचेस आगे किस किस टीम के साथ हैं। और अगर न्यूजीलैंड अगले दोनों मैच हार जाती है और पाकिस्तान जीत जाता है तो मौजा हो सकता है, 1992 वाला सीन हो सकता है। और अमूमन अगर देखा जाए जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान के साथ होता है क्या, पाकिस्तान ऐसे ही शुरू में मार खा रहा होता है और एंड पे जाके कोई मिरेकल हो जाता है और वो सेमीफाइनल में चला जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बहुत अच्छी क्रिकेट होने जा रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। मैच वाज टोटल वन साइडेड, न्यूजीलैंड पहले ही 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के विकेट्स गिरना शुरू हो गई और मिडल ऑर्डर उनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सो होप फॉर बेस्ट, डिपेंड करता है कि जो अगले आने वाले अभी 3-4 मैचेस हैं वो बहुत संजीदा मैच हैं ऊपर टॉप 4 टीम्स के लिए। ये थी आज के मैच की सारी स्टोरी, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।